जो दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाते हैं आज की रात। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता हाथ उठाने के लिए। दोनों हाथ उठाने बड़ी शेरों वाली भैया की क्या बात है। अब ये जो पाइप पकड़ के बैठे हो इस पे करंट नहीं उतर जाता एक सेकंड में, इसलिए पाइप से अलग बैठो थोड़े से। पता लगी तुम तो गिरे नीचे भी चाहे कि ऊपर गिर गए। हाँ भाई इस पाइप से लग रही हो। हाँ पाइप से लग रही हो इसका मतलब। अब तुम जो साइड में खड़े एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोली सच्चे दरबार की। देखो जयकारा बनाओ, व्यवस्था भी बनाओ क्योंकि मौसम खराब है। और ऐसे खराब मौसम में तुम सब खड़े हो माँ भगवती कृपा के लिए खड़े हो। और बात जोर से जयकारा लगा, बोली शंकर भगवान की। अरे एक बजे और भगवत मेरे दरबार में। हेलो बोली शेरावाली भैया की। भगवती के दरबार में ये तो थी शारदा वंदना। अब लेकर के चलते मैया का बड़ा सुंदर भजन, बड़ी सुंदर सी भेंट। और कहते हैं भक्तों कि जो तू समाधि परवाने तेरी बात निहारा करते हैं, और जब सारा जमाना सोता है मैया हम तुझको पुकारा, हम तुम्हें पुकारा। खाना ना खा पाए तुम, सभी कभी कभी ऐसा हो जाए मुख से आवाज क्यों नहीं आ रही कि आदमी ज्यादा खा ले तो भी ना बोल पाता। अच्छा एक बड़ा सुंदर भजन है और मैया से कहना है पार्वती मेरा है बड़ा ज्यादा जोर से रसगुल्ले ज्यादा खा लिए हैं। सीटी बंद करो, कहते हैं सीटी आ रही है बाद में उसे बंद करो कि माँ के दरबार में कुछ माता शर्माती ज्यादा है। कहते हैं कि शर्म का दरबार नहीं धर्म, धर्म का दरबार है। और जिसने भैया ने दिल से यहाँ दिखाया उसका बेड़ा, तो बेड़ा पर ऐसे नहीं मुख से भी आवाज आ रही चाहिए ऐसे। कहते हैं आप बड़े खुशनसीब हो जो आपको ऐसा मौका मिला मैया के दरबार में मैया का आशीर्वाद पाने का। सभी बोलेंगे हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो। क्या बात है।
कहते हैं एक बार जरा दोनों हाथ उठा दो मुख से नहीं तभी ढंग ताली से तो कहना है हो आज लगा हर बार मैया तारी बजवाने Let me see you.